नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं मौजूद है नंदीग्राम में, जहां पर आज देश के गृह मंत्री अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। आज यहां पर सियासी पारा गरमाया हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी भी आज नंदीग्राम की सड़कों पर उतरी हैं, और वहीं दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में यहां पर देश के गृह मंत्री आए हुए हैं। शाम 4 बजे शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में मिथुन चक्रवर्ती भी आने वाले हैं। ममता बनर्जी 8 किलोमीटर का रोड शो कर रही हैं, और यहाँ पर भी अमित शाह आए हुए हैं। भारी जनता का हुजूम है। मेरे साथ यहाँ की जनता मौजूद है, मैं इससे जानूंगा कि आखिर कौन, शुभेंदु अधिकारी या फिर ममता दीदी, क्या कुछ कहना है इनका। आइए आपको सुनाते हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? नारायण कर्मकर। क्या लग रहा है आपकी बार? लगता है इसी बार बीजेपी जरूर आएगा। आएगा क्यों? ममता दीदी क्यों नहीं? ममता दीदी जो कुछ भी किया बंगाल के साथ धोखा किया, इसलिए हम लोग इस बार बीजेपी जरूर आएगा। अच्छा। दादा, क्या लग रहा है आपकी बार? अब एवर परिवर्तन, असली परिवर्तन होगा ना देश में, बांग्ला से असली परिवर्तन होगा। दीदी नहीं चाहिए, हमारा बांग्ला से नहीं चाहिए। ममता दीदी के भागना होगा तो मेरा दादा नंदीग्राम से आए जरूर। क्या नाम हुआ? परिवर्तन चाहिए, बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा? आएगा। अच्छा दादा, क्या लग रहा है? लग रहा है अभी ममता दीदी का जो नाटक है वो अभी नाटक उसका नहीं चलेगा। बहुत दिन से नाटक किया, आदमी लोग सब जान चुका, इस बार बीजेपी आएगा। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी अपने आप को भूमि पुत्र बता रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी वो अच्छा आदमी है, काम भी अच्छा किया, लड़का बहुत अच्छा आदमी है, उससे अच्छा यहाँ पर कोई नहीं है। उसके लेके शुभेंदु अधिकारी के और ममता बनर्जी ने क्षमता में पश्चिम बंगाल में आया था। तो शुभेंदु परिवार की उंगली पकड़ कर यहाँ आया, शुभेंदु परिवार का उंगली पकड़ के आया, और उसका पीछे लगा, उसको तो जाना पड़ेगा। ममता बनर्जी कह रही है कि जब नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था तो सबसे आगे वही थी, अधिकारी परिवार नहीं था। अधिकारी परिवार ही था, वो नहीं था उसको। उस टाइम ममता बनर्जी बीमार था, उस टाइम ममता बनर्जी ने डॉक्टर का बीमार में था, वो इधर में नहीं आया था। अधिकारी परिवार में था, उस टाइम उसका तबीयत खराब था, बीमार था, वो डॉक्टर का पास था। हम लोग का पूरा पता है। पर आरोप लगा रही है ममता बनर्जी तो जाएगा, उसका बात छोड़ो, वो तो जाएगा, उसका कोई काम नहीं यार। और उसका नाटक आदमी लोग जान चुका है, उसका 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 और कोई काम नहीं है। ममता बनर्जी तो शुभेंदु अधिकारी को भ्रष्टाचारी बता रही है, कह रहे हैं वो नहीं है, वो अपने आप भ्रष्टाचारी है। वो तो है, वो 10 साल हुआ कोई नौकरी नहीं दिया, कोई SSC नहीं किया, वो तो पूरा बंगाल का बर्बाद कर दिया, वो पूरा बंगाल का बर्बाद कर दिया, उसका कोई काम नहीं है। अच्छा, तो देखा आपने यहाँ की लोगों की राय, इनका कहना है कि ममता बनर्जी खुद भ्रष्ट है, और वो आरोप लगा रही है शुभेंदु अधिकारी पर। फिलहाल पीछे देखिए जनसैलाब, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जनसैलाब। यहाँ पर अमित शाह आज रैली कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की राय और ये भीड़ ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जनता परिवर्तन चाहती है। बाकी होगा क्या, यह तो 2 मई की तारीख बताएगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अमन शुक्ला, नंदीग्राम।